Hello and alaikum I welcome all of you in this uh, video session of where we will discuss about land under Land Revenue Act 1967. Land Revenue Act 1967 is the act which is being promulgated in the whole of Pakistan. This was called uh, West Pakistan Land Revenue Act and there are some amendments in different acts that are in different provinces in Pakistan for example in Punjab Land Revenue Act. Uh, there are some amendments uh, Sindh from uh, Land Revenue Act has some other amendments and when we will come to those questions and we will come to those parts, I would uh, try my best to give you the the idea about the amendments that, that took place in uh, respective provinces so but but for now, we will just discuss about land that what is the definition of land? देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ लैंड इन प्रेजेंट एक्ट आपको इस पूरे एक्ट में कहीं पर लैंड की डेफिनेशन नहीं मिलेगी सो द लैंड ऑफ लैंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर लैंड रेवन्यू एक्ट इज़ टेकन फ्रॉम पंजाब टेरेंसी एक्ट एटीन एटी सेवन एंड लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन एन सेवनटी टू अफकोर्स वैन वी टॉक अब पंजाब टेरेंसी एक्ट देर इज ऑल्सो सिंध टेरेंसी एक्ट and there are other acts for example DP uh, Tenancy Act there is uh, also uh, definition of land and all of these definitions are almost the same. Uh, the most important here is the Punjab Tenancy Act 1887 and there is also one more act which uh, I haven't mentioned here because that was not the, um, very much important that was the West Punjab Alineation of Land Act. बट आई हैवेंट डर बिकॉज माई फोकस फॉज जस्ट टू के आप सिर्फ क्योंकि इन सारों में लैंड की डेफिनेशन तकरीबन एक जैसी है वन लिटमस टेस्ट यू गाइ शुड नो दैट दिस द साइड्स ऑफ एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑन आ लैंड वैन वी टॉक अबाउट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑन अ लैंड दैट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर शुड प्रोबली बी इन अ टाउन और इन अ कंटोनमेंट एरिया याद रख लें कि अगर एक लैंड जो फ़र्श किया किसी एक शख्स के पास फॉर एग्जाम्पल इफ समी हैज़ टू हंड्रेड एकर्स ऑफ लैंड एंड ही हैज लाइक अ स्मॉल हाउस ऑन दैट लैंड वेर कल्टीवेटर्स दे कम एंड द स्लीपेन फॉर एग्जाम्पल इफ दे वॉन्ट टू टेक रेस्ट डोंट इवन इमेजन दैट लैंड विल नाट बी लैंड अंडर दिस एक्ट एक बहुत बड़ी लैंड में अगर कोई थोड़ी सी जगह पर किसी ने कोई घर बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह लैंड इस एक्ट uh, uh, इस के अंडर uh, uh, ट्रीट हो के नहीं होगी वह भी लैंड ट्रीट होगी इस एक्ट के अंडर आपने ये बात याद रखनी है कि ओनली दैट लैंड विच इज़ इन नॉट इन अ टाउन प्लानिंग इन अ सिटी नी कंटोनमेंट एरिया और दैट हैज और द लैंड विच हैज़ बिन डिक्लेयर बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवन्यू दैट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड अंडर लैंड रेवन्यू एक्ट ऑनली देन वो जो जमीन का टुकड़ा है वो इस एक्ट के अंडर ट्रीट नहीं होगा तो ये बात समझने की है इट शुड भी फॉर एग्रीकल्चरल यूज और सबसरवियट टू एग्रीकल्चरल पेस्चर सबसरवियंट सो वट इज द मीनिंग ऑफ सबसरवियंट सबसरवियंट मीन्स when it is promoting or aiding agriculture or pasture pasture means that when you for example people have agricultural farms uh, sorry uh, cattle farms and to uh, and to bring up cattle you need a lot of land you need water you need grass you need uh, to uh, grow f food for them because you are you may be having like thousands or hundreds of different cattle

वो यूज एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हो रही है लेकिन उस लैंड के ऊपर अगर किसी ने कोई हट बना दिया इफ देर इज अ हट ऑन अ लैंड दैट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज डोंट थिंक दैट द एरिया ऑन विच दैट हट इज कंस्ट्रक्टेड विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस लैंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ लैंड अंडर लैंड रेवन्यू एक्ट वेल और कैनल एनी वाटर रेजरवायर इफ इफ समी हैज मेड इवन कंस्ट्रक्टेड अ स्मॉल डैम लेकिन वो डैम जो वाटर डैम है वो भी एग्रीकल वो एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए यूज़ हो रहा है तो वो भी जिस लैंड पे वो डैम बना होगा तो उस पे भी लैंड रेवेन्यू एक्ट नाफज होगा इस सेम प्लेस इफ वहाँ पे अगर कोई ट्रीज वगैरह है तो वो भी लैंड रेवेन्यू में है इवन गैर मुमकिन लैंड गैर मुमकिन लैंड इज़ द लैंड वेर यू कैन नॉट ग्रो क्रॉप्स but if that land is used for aiding and promoting agricultural purpose then that rare mumkin land will also be treated under this act and so you have to understand one thing that a building or a land is considered to be subservient to agricultural purpose when it directly promotes agriculture even when a well is sunk for, for agricultural purposes और इफ़ समन हैज शेयर इन दैट वेल और ट्यूब वेल एंड द वाटर फ्राम दैट वेल और ट्यूब वेल इज बींग यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज और फॉर पैस्टर दैन इट विल बी लैंड अंडर दिस एक्ट तो यह आपने याद रखना है कि हर वो लैंड जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है या एग्रीकल्चर को प्रोमोट करने के लिए यूज़ हो रही है वो इस एक्ट का हिस्सा है नेक्स्ट आई हैव Given some kinds of land that you should know. One first is Barani. Barani land is the uh, land that is rain dependent, uh, there is no artificial channel for uh, irrigation here. Chahi Chah means well, hai, irrigated through wells or tube wells, that is Chahi. Nehri is irrigated through canals. मुमकिन एंड गैर मुमकिन मुमकिन इज़ दी कल्टिवेबल लैंड एंड गैर मुमकिन इज विच इज़ नॉन कल्टिवेबल नॉन कल्टिवेबल मीन्स फॉर फॉर एग्जाम्पल दे इट कैन हैपन दैट देर इज अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ओवर देयर और दैट लैंड इज एप्स नॉट फर्टाइल देर आर सम रॉक्स देयर विच एंड इट कैन नॉट भी प्लोड प्रॉपरली सो सच लैंड इज़ गैर मुमकिन बट इट डजेंट मीन दैट द गैर मुमकिन लैंड विल नेवर बिकम कल्टिवेबल इट मे हैपन दैटिड इनक्रीज इन टेक्नोलॉजी लैंड इरीगेटेड एंड अन इिगेटेड लैंड इरीगेशन थ्रू आर्टिफिशियल चैनल इफ यू से अगर लैंड रेवन्यू एक्ट के अंडर किसी लैंड को इरीगेटेड लैंड कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि उसको किसी आर्टिफिशियल चैनल से पानी दिया जा रहा है यानी कि कोई डैम है आर्टिफिशियल कोई कैनल है आर्टिफिशियल एंड द लैंड विच कैन नॉट बी इरीगेटेड थ्रू फ्लड आई मीन इफ अ लैंड इज कैन नॉट बी इरीगेटेड थ्रू आर्टिफिशियल चैनल दैट विल बी अन लैंड अन लैंड वो लैंड है कि जो कि कल्टीवेटेबल है कल्टीवेबल है दैट इज बीन कल्टीवेटेड बट नॉट बाय आर्टिफिशियल चैनल दैट कैन भी कल्टिवेट बाय रिवर बाय फ्लड्स और बाय सम अदर मीन्स विच आर नॉट आर्टिफिशियल आबादी इफ अ लैंड इज अंडर आबादी दैट इज मीन दैट इट इज़ इन्ेबिटेड द पीपल हु आर लिविंग देयर बंजर कदीम दैट लैंड विच इज नॉट have which is not cultivated by cultivators for straight eight harvest eight harvest means because in one year there are two harvests so it will happen that for four years you have not cultivated a land and that land which will be called banjar kadim इसका मतलब ये नहीं कि वो लैंड कल्टिवेबल हो ही थी ही नहीं उसको कल्टिवेट किया नहीं गया and banjar jadid is the land which is not cultivated for continuously four harvests, means two years. two harvests happen in one year, so four harvests will be in two years. for two years, if a land has not been cultivated, that land will be banjar jadid. and for four years, if a land has not been cultivated, that will be banjar kadim. so these are some terminologies that i wanted to share with you uh, because these are those terminologies which you will come across during your practice. Okay, then comes there some there are some measurements here. Thirty point twenty five square feet is one karam or sarsai, Nine karams or sirsey are one marla. Twenty marlas are one canal. Eight canals are one acre or killa. You also say and twenty acres is a murabba. Um, these are just for uh, your convenience. If, uh, uh, because again you, you will come across these measurements in your practice. Okay, what is Shamilat land? I mean, land. When we are, when we talk about land, then we are this 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 terminology of Shamilat land also comes across a lot of times. Shamilat land is a communal land of a village which is used for common purposes. It's a it's it's a land which is for community. Uh, in a village, sometimes you need a place for worshipping. You need a place for graves. You need a place for maybe a school. You need a place for maybe to conduct some uh, official business. for example, if you need a place where you want to settle your uh, claims against each other, for example, in pakistan, panchayat system uh, uh, is common. i mean, still it is common. people like to settle their claims against each other together. they do not want to go to courts. so you need a place where, you, where some seniors of a village can sit down and they can talk about अबाउट देर देर म्यूचुअल वर्क अपने जो उनके आपस के कुछ झगड़े हैं उनका आपस को डिस्कस करने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए होगी ना तो वो जगह जो है वो कम्युनिटी की जगह है यानी कि वो किसी एक शख्स के नाम पर नहीं नाम नहीं होगी शामलात लैंड इज़ नॉट इन द नेम ऑफ वन पर्सन इट इज़ कम्युनिटी लैंड दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ वाइट इज़ कॉल्ड शामिल Historically, when cultivators used to migrate for cultivating lands, they used to use Shamilat for community purposes. For example, I, uh, uh, you should know that uh, if you go to inner Punjab or if you go to Sindh or in Balochistan, uh, I mean, in Sindh, there are some landowners, they have like uh, thousands of acres of land. And all of that land or part of that land is cultivable.

मे बी नीडिडल मुस्लिम ही कम्यूनिटी वर्क वो लैंड शामलात लैंड कहलाती थी यानी कि जहां पर समझ लें आप उनको वो, शायद वो अगर कोई हिंदू है तो उसको अगर वो फोत हो जाता है तो उसको जलाने के लिए भी कुछ जगह चाहिए होगी अगर कोई मुसलमान है वह फोत हो जाता है तो उसको दफराने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी तो उस विलेज में जहाँ पे वो खुद कल्टिवेटर थे वहाँ पे उनकी तो कोई जगह नहीं है ना अपनी तो इसलिए ये जगह इस तरह की मुख्त कर दी गई थी कि यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स हैं थे स्पेशली हिस्टोरिकली वो वहाँ पे अपने काम कर सकें वो काम जो कि कम्युनिटी के काम है तो उस लैंड को शामती लैंड कहते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ आला मालिक और काम कामल मालिक और अदा मालिक और मकबूजा मालिकाना रिलेटेड विद शाम एज द हैव राइट टू सेल शामिल एंड लेटर Lack such right. Uh, you have to guys understand one thing the the owner who. Uh, at one point we say that Shamlat is a communal land, but at the other point we say no, Shamlat can be sold. So who owns Shamlat then? Shamlat, uh, remember one thing Shamlat are owned by the percentage of the ownership of the land in the said village. एक गांव में जो समझ लें कि सबसे ज़्यादा मालिक है सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक है उसका शमलात में सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा जिस जो उधर कम मालिक है उसका शमलात में कम हिस्सा होगा आला मालिक वो मालिक होता है कि जिसके पास ये राइट है कि वो शामला का अपना हिस्सा जब वो अपनी लैंड बेचे तो वो शामला का भी हिस्सा बेच सकता है उसको अला मालिक कहते हैं या कामल मालिक कहते हैं और जो दूसरा मालिक होता है वो अदरा मालिक इसलिए होता है कि वो जब अपनी ज़मीन बेच रहा होता है तो वो अपनी ज़मीन के साथ जो शमलाती रकबा वो नहीं बेच सकता क्योंकि उसके पास इख्तियार नहीं है वी विल डिस्कस आला मालिक एंड अदना मालिक एन दीज टेक्नोलॉलोजीज इन डिटेल शामलाती लैंड इज़ अ कम्युनिटी लैंड इट इज़ द कम्युनिटी लैंड इन विलेज इट डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन बट एट द सेम टाइम वी कैन सेज मोर लैंड मोर ऑनरशिप इन अलेज विल हैव मोर राइट On this communal property, so uh, this is what is land under Land Revenue Act, and here you are going to talk about. Uh, you will going to you are going to talk about the land that is used for agricultural purpose, not only for agricultural purpose, but also when it is when the land is used for uh, aiding and promotion of agricultural purpose. And Shamlati land is the land that is for community scale there is one more terminology that we have to undergo uh, we have to go through that is revenue that what is revenue because we are talking about land revenue act land kinds of lands we have discussed here revenue is basically the part of the production which government receives from the landlord <coughs> sorry from the landlord on the grounds of its superior honor because who is the superior honor for sure the government considers itself to be a superior honor so so being a superior honor government wants to take some portion of the revenue from revenue that that you as a landlord are getting from the land so that revenue that portion of the produce that is revenue and that uh, is taken by government and this is what you are going to study in land revenue act so i hope that this presentation was fruitful for you and uh, uh, if you have some more questions i am ready to uh, to give you answers and of course do question if you have some thank you